अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एडेल कंपनी की एडेल 22 एक एमपी ड्रॉप है, उस ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही इस एडेल 22 ड्रॉप को आप किस किस काम पे और किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस एमपी ड्रॉप बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन से बहुत ज़्यादा बदबू निकलना यानी कि स्मेलिंग यूरिनेशन, और पेशाब करते समय जलन, सूजन, दर्द, बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की समस्या अगर आपको दिखाई देती है तो उस कंडीशन के लिए आप एडेल 22 ड्रॉप को यूज कर सकते हैं। और आपको किडनी स्टोन होने के दौरान कमर में और पीठ में अगर बहुत तेज दर्द रहती है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए, और साथ ही जो किडनी स्टोन की समस्या है उसको भी ठीक करने के लिए इस ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है। किडनी यानी कि गुर्दे में जमा हुआ प्रोटीन और छोटे छोटे पत्थरी को निकालने के लिए और गुर्दे को साफ सुथरा रखने के लिए इस एडेल 22 ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है। किडनी में कमजोरी, किडनी ठीक तरह से काम नहीं करना, किडनी में वीकनेस अगर आपको रहती है तो उस कंडीशन के लिए इस एडेल 22 ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है। और आपको UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या रहती है, अगर आपकी यूरिन में किसी तरह की इन्फेक्शन रहती है तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है। उम्र बढ़ने से मेटाबॉलिक सिस्टम कमज़ोर हो जाती है जिसके चलते हाइपरटोनिया, डायबिटीज, आर्थराइटिस, रिमेटिज्म, इस तरह की समस्या दिखाई देती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस एडेल 22 ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है। इस होम्योपैथी ड्रॉप किडनी में जमा हुआ हार्मफुल टॉक्सिन को निकालने के लिए और किडनी को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक तरह से आप समझ लीजिए किडनी संबंधित सभी तरह की समस्या के लिए इस एडेल 22 ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है। अब हम जान लेते हैं इस ड्रॉप को आप किस तरह से यूज करेंगे। आपको आधा कप पानी में 15 बूंद इस मेडिसिन को मिलाना होगा और मिला के दिन में 3 बार पीना होगा। इस होम्योपैथिक ड्रॉप 20 ml की फाइल में आती है और इसकी प्राइस है 270 rupees। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।